बीच भाई की दुनिया में ना भाईचारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग भाई भाई बोलते हैं, बट एक भाईचारा मेरे पास है जो बहुत ही अलग है। मतलब इनका याराना बहुत अलग है और इतने टाइम से एक साथ में है ना, अब लोग कंफ्यूज हो चुके हैं भाई भाई है या बाप बेटे हैं। मतलब ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और जो मेरे गेस्ट हैं आपसे जब मिलेंगे आप भी ये बोलोगे, क्या जुगलबंदी है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आई एम पार्थ गर्ग, मैं ग्लैडिएटर से खेलता हूँ और मैं उसका एक एंट्री फ्राई करूँ। आई एम डेस्ट्रो, आई प्ले फॉर ग्लैडिएटर्स ईस्पोर्ट्स, आई एम द आईजीएल ऑफ द टीम। सीजन टू के लिए क्या सीन है, क्या एक्साइटमेंट है भाई? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्या कहते हैं, ये भी टीवी पर आ रहा है, वो भी टीवी पर आया था, उसमें भी बहुत अच्छा खेला था, इसमें तो होपफुली और अच्छा ही खेलेंगे। मैं जानना चाहूँगा डेस्ट्रो के कुछ प्रोज एंड कॉन्स, कॉन्स पे चालू करते हैं। देखो कॉन्स मैं बताता हूँ, एक तो तुम कभी फिट नहीं रह सकते क्योंकि 12 महीने चाहे घर में कितना अच्छा खाना भी बन जाए, खाना बाहर से ही आएगा, वो तुम फिट कभी रह नहीं सकते। अगर तो जिम कर रहे हो तब भी वो तुम्हारी एक चीट मील रहेगी ही रहेगी। दिन की एक चीट मील होती है, मतलब पूरे हफ्ते में एक बार नहीं, दिन की एक चीट एक ये, और दूसरा ये तुम कभी टाइम पे नहीं सो सकते क्योंकि जब भी सोने का टाइम होता है हमेशा भूख लग जाती है तो खाना आ जाता है। कौन से तो हो गए, कुछ प्रोज भी बता दो यार। देखो दो बुराइयां तो बता ही दी है, अब अच्छा ही बता देता हूँ दो। अगर कुछ भी हमें दिक्कत होती थी, मुझे या जस्टिन किसी को भी दिक्कत होती थी, डेस्ट्रो के हाथ में अगर वो चीज़ कर सकता है तो वो तो करके दिखाएगा वो, ठीक है। एक ये, दूसरी ये, फाइनेंशियली कभी कुछ लेफ्ट राइट होता था, लाइक लाइफ में बंदी को लेके कभी कुछ लेफ्ट राइट होता था तो ये हमेशा पीछे खड़ा है, वो चीज़ शॉर्ट होगी कैसे भी। 30 साल में बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है, मतलब कहते ना घाट घाट का पानी पा के निकला हमारा मैं जी। अभी ये होता था ना, मतलब काफ़ी बार डेल्टा को रोकना मुश्किल हो जाता है बिकॉज डेल्टा इज अ प्लेयर यंग ब्लड ना, वार्म ब्लड, एक बार एड्रेनलिन हाई हो गया मर जाएंगे आगे जाकर, नॉक हो जाते थे। हम उसको स्प्रिंग बोलते हैं, वो स्प्रिंग जैसे जैसे मैं अच्छा खेलता जाता हूँ वो स्प्रिंग बैठता जाता है, और फिर वो स्प्रिंग एक ही बारी ऐसा लॉन्च होता है कि सब खत्म हो जाता है। मतलब समझा नहीं, स्प्रिंग मतलब क्या? जो आप बात करो ना गर्म खून की, उसको हमने अलग टर्म दे रखा है, स्प्रिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इससे पहले टीम थी स्काईलाइट, आपने ट्रॉफी उठाई ऑफिशियल, टूर्नामेंट खत्म हुआ अगले दिन बाहर, मेरे ख्याल से अगला बंदा यही दिखाता टीम में और तभी डिसाइड कर लेते यही है। नहीं यार, जैसे आपने बोला इट वॉज लाइक जैसे आपकी कई बंदी आपको छोड़ के चली गई तो ट्रस्ट इशूज़ आ जाते हैं ना, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था, ट्रस्ट इशूज़ आ गए थे। बट फिर मेरे को ये मिला, ये भी बेचारा किसी पता नहीं किसी टीम में था, स्ट्रगल कर रहा था, इसको मैंने साथ में लिया, हमने साथ में स्ट्रगल किया, साथ में टीम बनाई, टीम के प्लेयर्स नहीं मिल रहे थे, वो स्ट्रगल में इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो ये फाइनल दो कौन निकले थे? जस्टिन एंड रॉबिन। ये दोनों कहाँ से निकाले थे तुमने? ऐसे ही रैंडमली मिल गए थे। डेल्टा की कुछ तो होगी ना, मतलब कुछ ऐसी चीजें अदाएं हैं इसकी, डेल्टा की नखरे वाला डेल्टा। डेल्टा इज एक्सेप्शनली स्किल्ड, अगर डेल्टा का एकेएम खुला तो सामने कोई भी हो, जोनाथन हो, पैरा बॉय हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी एकेएम खुल गई चल गई, वो फॉर्म में है अपनी। बट हाँ, अगर इसका ये है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया इसकी स्प्रिंग अगर लॉन्च हो गई तो मैं जस्टिन शोगन कितना भी अच्छा खेल लें फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसा ऐसा वो करवाएगा थ्रो उस मैच को, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा हमेशा से रहा है बिकॉज मैंने भी कम्पीट किया है किसी और टाइटल्स में, सो मेरे में होता था कि अगर कोई भाई बन गया ना वो मौत तक साथ में रहेगा, वो अच्छा खेले ना खेले उसको मैं पुश करूंगा बट वो साथ रहेगा। क्या ये चीज़ आप दोनों के लिए भी वैलिड रखती है? यार ऑब्वियसली हमारे लिए भी सेम ही चीज़ है, भाईचारा पहले आता है। और एक और चीज़ है कि जब टीम बनी थी तो मैंने इसकी स्किल्स देख के इसको लिया था, तो मुझे इस बंदे का पोटेंशियल पता है, तो अगर इसका डाउन फेज है कुछ भी है तो मुझे पता है ये बंदा पहले भी इतना कुछ कर चुका है दोबारा कर लेगा, तो उस टाइम सपोर्ट करना होता है, करेंगे सपोर्ट हमेशा। सो ये थे हमारे डेस्ट्रो डेल्टा और सारे चेहरे, यू नो, हमारे साथ इन सोफों पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। टिल देन यू गाइस गो गेमिंग।